शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सच जानने के बाद इतने बड़े धोखे के भागीदार हम नहीं बनना चाहते थे, और इसीलिए हमने प्रीति को बुलाया। और प्रीति के लिए बहुत जरूरी था कि वो ये सब सच अपनी आंखों से देखे। सरद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी करने की? देखो बाबूजी, आपने जो सात पुश्तों में इस हवेली में नहीं हुआ इसे करके दिखा दिया। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने। बस जिस पर आप तो जान छिड़कते हैं, दो प्यारे प्यारे बच्चे, आपके पास तो कोई कमी नहीं है। आपने कभी ये जानने की कोशिश भी की भानु भैया कि हम इस रिश्ते से खुश हैं या नहीं? वीना से शादी तुमने अपनी पसंद से की थी। हाँ, हुई थी, हमारे पसंद से शादी हुई थी, लेकिन अब हमें इस रिश्ते में घुटन होती है, घिन आती है हमें। सरद, भानु भैया, हम प्रीति के साथ बहुत खुश हैं। हम प्रीति और अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हैं। बच्चा? हाँ, बच्चा। हमारी और प्रीति की एक 4 साल की बच्ची है। बच्ची? ये नहीं हो सकता। अरे तुम तो हमारे वंश को आगे बढ़ा ना सकी, हमें पिता होने का सुख ना दे सकी, लेकिन ये प्रीति, इसने हमें वो सुख दिया, इस घर को वारिस दिया, इस घर को वंश दिया। कौन सा वंश? किस बात का वंश? इससे तुम्हारी औलाद नाजायज है। वो कोई इस खानदान का वंश नहीं है। भाभी, हमारे बच्चे को नाजायज मत कहिए। क्यों नहीं कहे? सच है, और इसके साथ तुम्हारी शादी भी नाजायज। ये रिश्ता ही गलत है। एक बात कान खोल के सुन लो शरद, बीना इस घर की बहू है। बीना तुम्हारी धर्म पत्नी है, और कानून के हिसाब से वो तुम्हारी पहली पत्नी है। और बीना इस हवेली में ही रहेगी। अबुज, भाभी क्या कह रही है? बाबूजी, वो भी इस घर की पोती है, आपकी पोती है, हमारा खून है, हमारी बेटी है, वो नाजायज नहीं है। बाबूजी, बाबूजी, हम चुप क्यों? बोलिए ना कुछ। बस, अब एक शब्द भी मत बोलना। इस घर में शरीफ लोग रहते हैं, निकल जाओ यहां से बाहर। कोई ताजुब नहीं, कोई ताजुब नहीं। अरे हम जानते हैं कि हमें इस घर में कोई खुश रहने नहीं देगा, इस हवेली में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। ठीक, आपके हमें इस घर से निकालेंगे, हम खुद हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। चलो प्रीति। रुकिए,
मुझे भैया, ये हमारे गुनेगार हैं, तो सजा देने का हक भी हमारा ही होना चाहिए ना। और हम जानते हैं कि शरद जी को बच्चों से कितना प्यार है, हमको भी है। नहीं हुआ ना, नहीं कर पाए हो। लेकिन जो हमारे बस में है, अब हम वही करेंगे, क्योंकि हमारे रहते ना तो आपकी ये शादी जायज होगी और ना ही आपकी बेटी। इसलिए हम आपके रास्ते से हट रहे हैं, हम जा रहे हैं आपको तलाक देके। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो। वो तो हम हमेशा ही रहेंगे ना बाबूजी, लेकिन शरद जी का क्या? उनका प्यार तो हमें कभी नहीं मिलेगा, और हमें उनका प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ? कम से कम एक बेटी को उसके पिता का नाम तो मिल जाएगा। इसलिए हमारा यहां से जाना ही सही रहेगा। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।